अब नई कहानी दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। आदमजाद देख, यकीन कर, अब तू बाहर से भी मुझे देख सकेगा। मैं सुराही के अंदर कैसे था, ले देख। बता कि तुझे मैं किस तरह मारूं? नहीं नहीं, ऐसा ना करना मेरे प्यारे। ऐ अशरफुल मखलूकात, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था। मैं तुमसे दिल लगी कर रहा था। क्या क्या कर रहे थे? दिल लगी, मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, दिल लगी मजाक। हाँ। जैसे मैं तेरा बचपन का लंगोटिया यार। हाँ, नहीं हो तो अब बन जाओ। मुझे बाहर निकालो, फिर दोनों लंगोट बांध कर पानी में डुबकी लगाते हैं। तू मुझे बेवकूफ समझता है कि तुझ पर यकीन करके मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू छोड़ दे, तू छोड़ दे मुझे। नहीं ऐ माहिगीर, मैं तेरा एहसान मानूंगा। तू भी वैसे ही एहसान मानेगा जैसे एहसान फरामोश बादशाह ग्रीक और साजिशी मक्कार वजीर ने हकीम दोबान के एहसान का बदला दिया था। एहसान का बदला कैसे दिया था? मुझे बताओ, सुनाओ मेरे मेहरबान माहिगीर। सुन ए एहसान फरामोश, सिया फितरत जिन, सुन। बहुत पुराने जमाने की बात है, शहर जोमन मुल्क फारिस में एक खूबसूरत तंदुरुस्त बादशाह हुकूमत करता था, जिसका वजीर निहायत फरेबी, नमक हराम, धोखेबाज, बदमाश, साजिशी और बुरी नीयत का आदमी था। मगर बादशाह उसे एक नेक और अच्छा इंसान समझता था। वजीर बादशाह को मारकर उसकी सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। वजीर से बादशाह। वजीर से बादशाह जरूर बनूंगा एक दिन, जरूर बनूंगा इस मुल्क का बादशाह। एक दिन वजीर ने बड़ी चालाकी से बादशाह को एक ऐसी जड़ी बूटी का अर्क पिला दिया कि जिससे बादशाह मर जाए। लेकिन बादशाह मरा नहीं, बल्कि खूबसूरत बादशाह बदसूरत बन गया। फिर वजीर ने बादशाह का इलाज करने के बहाने अपने खरीदे हुए हकीमों की दवा से उसे मारने की बहुत कोशिशें की,
मगर बादशाह फिर भी नहीं मरा। बल्कि और ज्यादा बदसूरत हो गया। उस जमाने में यह कानून था कि जब किसी हकीम के इलाज से फायदा न हो तो उस हकीम का और उस हकीम के लाने वाले का सर काट दिया जाता था। आखिर वो दिन आ गया। इनके सर काट दिए जाएं, इस जमीन का यही कानून है। अरे वजीरे बातदबीर, तुम्हारी सारी तदबीरें नाकाम हुई, तुम्हारे हकीमों का इलाज बेकार हुआ। हम अपने वादे पर कायम हैं। हमने वादा किया था अगर हम तंदुरुस्त हो जाएंगे तो तुम सबको मालामाल कर देंगे, वरना कत्ल कर देंगे। रहम रहम कर खुदावंद, रहम कर। मेरे हकीमों ने आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत कोशिशें की, इनकी दवाएं और मेरी दुआएं साथ साथ थी। हमारी जाने बख्श दी जाए जहां पड़ा। नहीं जल्लाद, वजीर और हकीमों के सर कलम कर दो। मशहूर आलिम नफीसुर रहमान तबीब, हकीम हाजिक दोबान शर्फ बारियाबी चाहता है। इजाजत है। सल्तनत जोमन के जीशान बादशाह, जरा अपने हुक्म को रोक। मैं खुदा के हुक्म से तुम्हें तंदुरुस्ती देने के लिए आया हूं। यह यकीन है तुम्हें या वहम? वहम नहीं, पूरा यकीन है, दावा है। हम जानते हैं कि तुम मालिम फाजिल फलसफी व माहिर तिब हकीम हाजिक हो, लेकिन हकीम दोबान तुम्हारे यकीन और दावे की बुलंदी गुरूर की हदों को छू रही है। ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मौत की सजा पाने वाले हकीमों और वजीर की तरह शर्मिंदगी से जल्लाद की तलवार के नीचे अपनी गर्दन चुकानी पड़े। गुस्ताखी मुआफ आलमपना, यह गुरूर नहीं, मेरा इल्म मेरा तजुर्बा बोल रहा है। हर जहर की दवा हर बीमारी का इलाज है मेरे पास। आए उम्र रसीदा मोहतरम हकीम दोबान, वो अजीम हस्तियां कौन सी थीं जिनके दवाओं के नुस्खों से और इलाज के तरीकों से तुम इतने कामयाब हुए? तिब व हिकमत को पैदा और परवरिश करने वाली वो अजीम हस्तियां हैं बुकरात, जालीनूस, बुअली सीना, जकरिया राजी, अबू सहल मसीह,
और फारसी, तुर्की, अरबी, लातिनी, सिसियानी, इब्रानी और संस्कृत जबानों में लिखी हुई पुरानी किताबों से जड़ी बूटियों की तासीर का निचोड़ हासिल किया। और ऐ दानिशवंद बादशाह ज़ोमन, एक राज की बात यह भी है कि अगर हकीम की नीयत और रूह नेक है, साफ सुथरी है, तो हकीम के हाथ से दी हुई दवा का असर जरूर होगा। बीमार और दवा से हकीम का एक रूहानी रिश्ता भी होता है। आए मोहतरम रूहानी बुजुर्ग हकीम दोबान, हमारे दिल व दिमाग पर तुम्हारी तजुर्बाकार बातों का असर हुआ है। हम तुम्हें इलाज का एक मौका देंगे। अगर हम तंदुरुस्त हो गए तो तुम्हें इतनी जागीर और दौलत दे देंगे कि तुम्हारी सात नस्लों तक वो खत्म नहीं होगी। और अगर तुम्हारे इलाज से हम तंदुरुस्त नहीं हुए तो शाही कानून के मुताबिक तुम्हें कत्ल कर देंगे। मुझे मंजूर है अय बादशाह ज़ोमन ज़ुल्जलाल, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वजीर आजम और इन हकीमों की जान बख्श दी जाए। आए मुहाफिज़े इंसानियत, तेरी ये नेकी हमें पसंद आई, हम इन सब की जान बख्श देते हैं। अए जहां दीदा तबीब दोबान, ये बताओ कि तुम्हारे इलाज से हम कितने दिनों में तंदुरुस्त हो जाएंगे? आलमपना, आपका इलाज करने में मुझे 24 हफ्ते लगेंगे। दवा की तैयारियां मैं आज से ही शुरू कर देता हूं। Thank you.
सफूफ तैयार हो गया और खाने का वक्त भी हो गया। ऐ मेरे मसरूफ हकीम शौहर, कहीं तुम बादशाह की दवा बनाने में बहरे तो नहीं हो गए? मैं ये कह रही हूँ कि चलिए खाना खा लीजिए। खाना तो रोज ही खाते हैं बेगम, ऐसी दवाएं तो कभी कभी बनती हैं। इस दवा से बादशाह इंशाल्लाह ताला तंदुरुस्त हो जाएंगे। कुछ अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल करो। अरे बेगम, जब तक तुम्हारा ये प्यारा प्यारा गुस्सा यूं बरसता रहेगा, मैं तो हमेशा ही तंदुरुस्त रहूंगा। तुम ऐसा करो, खाना दस्तरखान पे लगाओ, मैं बादशाह को ये दवा देकर आता हूँ। बादशाह अली वकार, आज से आपका इलाज शुरू होता है। आप इस छड़ी से इस गेंद को मारने का खेल खेलें। इस छड़ी के दस्ते में दवा भरी हुई है जो आपके हाथ की गर्मी से अपना असर दिखाएगी और आपके सारे बदन में पसीना आ जाएगा। और पसीना आने का मतलब है कि दवा अपना असर कर चुकी है, इसलिए खूब चौगान खेलें। मैं ऐसा ही करूंगा।